शंकर, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रत का अनुष्ठान करें। इस व्रत के पालन से सहस्त्रों राजसूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्रों राजसूय यज्ञों के समान धन का व्यय होता है, अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न निघ्न हो गया। चूंकि पुण्यक व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, अतः वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर के कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब ये अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्यों को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की पहले पूजा करके तब अन्य देवताओं का पूजन करें। गणेश का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है, तथा शंकर अग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव, त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य तथा सृष्टि परायण हैं। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। उस सभा के बीच यों कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण तथा पार्वती सहित शंकर परम प्रसन्न हुए। पार्वती द्वारा व्रत आरंभ, व्रत समाप्ति में पुरोहित द्वारा शिव को दक्षिणा रूप में मांगे जाने पर पार्वती का मूर्छित होना, शिवजी तथा देवताओं और मुनियों का उन्हें समझाना, पार्वती का विषाद, नारायण का आगमन और उनके द्वारा पति के बदले गोमूल्य देकर पार्वती को व्रत समाप्त करने का आदेश, पुरोहित द्वारा उसका अस्वीकार, एक अद्भुत तेज का आविर्भाव और देवताओं, मुनियों तथा पार्वती द्वारा उनका स्तवन। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तदनंतर हर्ष से गद्ध हुए मनवाले शिवजी ने श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके श्री हरि के साथ किए गए मांगलिक वार्तालाप को प्रेम पूर्वक पार्वती से कह सुनाया। तब पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उन्होंने शिवजी की आज्ञा मानकर उस मंगल व्रत के अवसर पर मांगलिक बाजा बजवाया। फिर सुंदर दांतों वाली पार्वती ने भली भांति स्नान करके शरीर को शुद्ध किया और स्वच्छ साड़ी और चद्दर धारण किया। तत्पश्चात जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से विभूषित, फल और अक्षत से सुशोभित तथा आम के पल्लव से संयुक्त था, ऐसे रत्न कलश को चावल की राशि पर स्थापित किया। फिर रत्नों के उद्भव स्थान हिमालय की कन्या सती पार्वती ने, जो रत्नों से विभूषित तथा रत्न जटित आसन पर विराजमान थी, रत्न सिंहासनों पर समासीन मुनि श्रेष्ठों की पूजा करके चंदन, अगरू, कस्तूरी और रत्न भरणों से भूषित तथा
रत्न सिंहासन पर विराजमान पुरोहित की समर्चना की। इसके बाद विधि विधान के अनुसार रत्न भूषित दिक्पालों, देवताओं, मनुष्यों और नागों को आगे स्थापित करके भक्ति पूर्वक उनका भली भांति पूजन किया। फिर पुण्यक व्रत में जिनकी अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए बहुमूल्य रत्नों के भूषणों, उत्तम उत्तम वस्त्रों तथा पूजनोपयोगी नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजी गई थी और जो चंदन, अगरु, कस्तूरी और कुमकुम से सुशोभित थे, उन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की परम भक्ति पूर्वक समर्चना की। मुने, तत्पश्चात पार्वती देवी ने स्वस्ति वाचन पूर्वक व्रत आरंभ किया। तदनंतर उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सती ने उस मंगल कलश पर अपने अभिष्ट देवता श्री कृष्ण का आवाहन करके उन्हें भक्ति पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार समर्पित किया। फिर व्रत में जिन अनेक प्रकार के द्रव्यों के देने का विधान है, एक एक करके उन सभी फलदायी पदार्थों को प्रदान किया। पुनः व्रत के लिए कहा गया उपहार जो त्रिलोकी में दुर्लभ है, वो सब भी भक्ति सहित अर्पण किया। इस प्रकार उस सती ने वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक सभी पदार्थों को अर्पित करके तिल और घी से 300,000 आहुतियों का हवन करवाया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा पूजित अतिथियों को भोजन से तृप्त किया। इस प्रकार उत्तम व्रत वाली सती ने उस पालनीय पुण्यक व्रत में सारे कर्तव्य को वर्ष पर्यंत प्रतिदिन विधान के साथ पूर्ण किया। समाप्ति के दिन विप्रवर पुरोहित ने उनसे कहा, सुव्रते, इस उत्तम व्रत में तुम मुझे अपने पति को दक्षिणा स्वरूप दे दो। पुरोहित के इस कथन को सुनकर महामाया पार्वती उस देव सभा के मध्य विलाप करके मूर्छित हो गईं, क्योंकि उस समय माया ने उनके चित्त को मोह लिया था। नारद, उन्हें मूर्छित देखकर उन मुनिवरों तथा ब्रह्मा और विष्णु को हंसी आ गई। तब उन्होंने शंकर जी को पार्वती के पास भेजा। उस समय पार्वती को होश में लाने के लिए सभासदों द्वारा प्रेरित किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ शिव जी कहने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, भद्रे, उठो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तुम होश में आकर मेरी बात सुनो। फिर जिनके कंठ, ओंठ और तालु सूख गए थे, उन पार्वती से यूं कहकर शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और चेतना युक्त कर दिया। तत्पश्चात हितकर, सत्य, परिमित परिणाम में सुखप्रद, यशस्कर और फलदायक वचन कहना आरंभ किया। देवी, जिसका वेद ने निरूपण किया है, जो सर्वसम्मत और ईष्ट है, उस धर्मार्थ का इस धर्म सभा में मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, दक्षिणा समस्त कर्मों की सारभूता है। धर्मिष्ठे, वो धर्म कर्म में नित्य ही यश और फल प्रदान करने वाली है। प्रिय, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा से रहित होता है, वो सब निष्फल हो जाता है और उस कर्म से निश्चय ही दाता को कामसूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। तत्पश्चात वो शत्रुओं से पीड़ित होकर दीनता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण के उद्देश्य से संकल्प की हुई दक्षिणा यदि उसी समय नहीं दी जाती है तो बढ़ते बढ़ते अनेक गुना हो जाती है। श्री विष्णु ने कहा, धर्मिष्ठे, धर्म कर्म के विषय में तुम अपने धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्मज्ञ अपने धर्म का पूर्णतया पालन करने पर ही सबकी रक्षा हो जाती है। ब्रह्मा ने कहा, धर्मज्ञ जो किसी कारणवश धर्म की रक्षा नहीं करता है तो धर्म के नष्ट हो जाने पर उसके कर्ता का विनाश हो जाता है। धर्म ने कहा, साध्वी, पति को दक्षिणा रूप में देकर यत्न पूर्वक मेरी रक्षा करो। महासाध्वी, मेरे सुरक्षित रहने पर सब कुछ कल्याण ही होगा। देवताओं ने कहा, महासाध्वी, तुम धर्म की रक्षा करके अपने व्रत को पूर्ण करो। सती, तुम्हारे व्रत के पूरा हो जाने पर हम लोग तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। मुनियों ने कहा, पतिव्रते, हवन को पूरा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करो। धर्मज्ञ, हम लोगों के उपस्थित रहते अमंगल कैसे होगा। सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो तुम मुझे शिव को दक्षिणा रूप में दे दो, अन्यथा इस व्रत के फल को तथा चिरकाल से संचित अपनी तपस्या के फल को छोड़ दो। साध्वी, इस प्रकार कर्म के दक्षिणा रहित हो जाने पर मैं इस व्रत के फल को तथा यजमान के सारे कर्मों के फल को पा जाऊंगा। तब पार्वती जी बोली, देवेश्वरों, जिस कर्म में पति की ही दक्षिणा दी जाती है, उस कर्म से मुझे क्या लाभ। मुने, दक्षिणा देने से तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से भी मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। यदि भूमि की पूजा न की जाए तो वृक्ष के पूजन से क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य की स्थिति कहाँ और फिर अन्न तथा फल कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। यदि स्वेच्छानुसार प्राणों का ही त्याग कर दिया जाए तो फिर शरीर से क्या प्रयोजन। जिसकी दृष्टि शक्ति ही नष्ट हो गई है, उसे आँखों से क्या लाभ। सुरेश्वरों, पतिव्रताओं के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है।
ऐसी दशा में यदि व्रत में पति को ही दे देना है तो उस व्रत अथवा व्रत के फल स्वरूप पुत्र से क्या सिद्ध होगा। माना कि पुत्र पति का अंश होता है किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही है। भला जहां मूलधन ही नष्ट हो जाए वहां उसका सारा व्यापार तो निष्फल ही हो जाएगा। इस प्रकार वाद विवाद चल ही रहा था, इसी बीच उस सभा में स्थित देवताओं और मुनियों ने आकाश में बहुमूल्य रत्नों के बने हुए एक रथ को देखा जो पार्षदों द्वारा घिरा हुआ था। वे सभी पार्षद श्याम रंग वाले तथा चार भुजाधारी थे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी और वे रत्नों से विभूषित थे। तत्पश्चात वैकुंठवासी भगवान उस विमान से उतरकर हर्ष पूर्वक सभा में आए। फिर तो सुरेश्वर ने उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। तदनंतर उनकी चार भुजाएं थी जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे, जो लक्ष्मी और सरस्वती के स्वामी शांत स्वरूप परम मनोहर और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य थे। परंतु भक्तिहीनों के लिए जिनका दर्शन करोड़ों जन्मों में नहीं हो सकता है, जिनके नील रंग की आभा करोड़ों कामदेवों को भी मात दे रही थी, जिनका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं के समान था, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित सुंदर भूषणों से विभूषित थे, जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवनीय हैं, भक्तगण सदा जिनका स्तवन करते हैं, जो अपने प्रकाश से आच्छादित देवर्षियों द्वारा घिरे हुए थे, उन परमेश्वर को ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि देवताओं ने एक श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर बैठाया और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उन सब की अंजलियां बंधी हुई थीं, शरीर रोमांचित थे और आंखों में आंसू छलक आए थे। तब परम बुद्धिमान भगवान ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी द्वारा उनसे सारा वृतांत पूछा और उनके द्वारा सब जान लेने पर कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, सुरगणों, मेरे सिवा ब्रह्मा से लेकर तत्पर्यंत ये सारा जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, ये सर्वथा सत्य है। विश्व में सारे प्राणी जिस शक्ति से शक्तिमान हुए हैं उस शक्ति को मैंने ही प्रकाशित किया है। सृष्टि के आदि में मेरी इच्छा से ही प्रकृति देवी मुझसे ही प्रकट हुई हैं और मेरी सृष्टि का संहार कर लेने पर वो अंतर्हित होकर शयन करती हैं। प्रकृति ही सृष्टि की विधायिका और समस्त प्राणियों की पराजननी है। वो मेरी माया मेरे समान है, इसी कारण नारायणी कहलाती है। शंभु ने चिरकाल तक मेरा ध्यान करते हुए तपस्या की है, इसलिए तप के फल स्वरूपा माया को मैंने उन्हें प्रदान किया है। माया रूपा पार्वती का ये व्रत लोक शिक्षा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी में व्रतों और तपस्याओं का फल देने वाली तो स्वयं वो ही है। इनकी माया से सभी प्राणी मोहित है, फिर प्रत्येक कल्प में पुनः पुनः उनके स्तवन व्रत और व्रत फल की साधना से क्या लाभ। देवताओं में श्रेष्ठ जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं, वे मेरे ही अंश हैं, तथा जीवधारी प्राणी और देवता आदि सब मेरी ही कलाएं हैं तथा कलांश रूप हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट का निर्माण नहीं कर सकता तथा सोनार स्वर्ण के बिना कुंडल बनाने में असमर्थ है, उसी तरह मैं भी शक्ति के बिना अपनी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हूँ। अतः सृष्टि के सृजन में शक्ति की ही प्रधानता है, ये सभी दर्शन शास्त्रों को मान्य है। मैं समस्त देहधारियों का आत्मा निर्लेप अदृश्य और साक्षी हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सभी पांच भौतिक शरीर नश्वर हैं, परंतु सूर्य के समान प्रकाशमान शरीर वाला मैं नित्य हूँ। जगत में प्रकृति सभी की आधार स्वरूपा है और मैं सबकी आत्मा हूँ। वेद में ऐसा निरूपण किया गया है कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म मन है, महेश्वर ज्ञान रूप है, स्वयं विष्णु पंच प्राण हैं, ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति बुद्धि हैं, मेधा निंद्रा आदि ये सभी प्रकृति की कलाएं हैं और वो प्रकृति ही शैल राज कन्या पार्वती हैं। मैं सनातन देव ही वैकुंठ का अधिपति हूँ और मैं ही गोलोक का भी स्वामी हूँ। वहाँ गोलोक में मैं दो भुजाधारी होकर गोप और गोपियों से घिरा रहता हूँ तथा यहाँ वैकुंठ में मैं देवेश्वर और लक्ष्मीपति के रूप में चार भुजाएं धारण करता हूँ और मेरे पार्षद मुझे घेरे रहते हैं। वैकुंठ से ऊपर 50 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित गोलोक में मेरा निवास स्थान है। वहां मैं गोपीनाथ रूप से रहता हूँ। उन्हीं द्विभुजधारी गोपीनाथ की व्रत द्वारा आराधना की जाती है और वे ही उसका फल प्रदान करते हैं। जो जिस रूप में उनका ध्यान करता है उसे उसी रूप में फल देते हैं। अतः शिवे, तुम शिव को दक्षिणा रूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने स्वामी को वापस ले लेना। शुभे, जैसे गौवे विष्णु की देव स्वरूपा हैं, उसी प्रकार शिव भी विष्णु के शरीर हैं। अतः
तुम ब्राह्मण को गौमूल्य प्रदान करके अपने स्वामी को लौटा लेना। ये बात श्रुति सम्मत है, क्योंकि जैसे स्वामी यज्ञ पत्नी का दान करने के लिए सदैव समर्थ है, उसी तरह यज्ञ पत्नी भी स्वामी को दे डालने की अधिकारिणी है। सभा के बीच यूं कहकर नारायण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसे सुनकर सभी सभासद हर्ष विभोर हो गए तथा हर्ष गद्ध हुई पार्वती दक्षिणा देने को उद्यत हुई। तदनंतर शिवा ने हवन की पूर्णाहुति करके शिव को दक्षिणा स्वरूप दे दिया और उधर सनत कुमार जी ने उस देव सभा में स्वस्ति ऐसा कहकर दक्षिणा ग्रहण की। उस समय भयभीत होने के कारण दुर्गा का कंठ, ओंट और तालू सूख गए थे। वे हाथ जोड़कर दुखी हृदय से ब्राह्मण से बोली। पार्वती ने कहा, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है, ऐसा वेद में कहा गया है। अतः मैं आपको 100,000 गौएं प्रदान करूंगी, आप मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। पति के मिल जाने पर मैं ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दक्षिणाएं बांटूंगी। अभी तो मैं आत्महीन हूँ, ऐसी दशा में भला आत्मा से रहित शरीर कौन सा कर्म करने में समर्थ हो सकता है। सनत कुमार जी बोले, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 100,000 गौओं का क्या प्रयोजन है, और इस अमूल्य रत्न को गौओं के बदले देने से भी क्या लाभ होगा। त्रिलोकी में सभी लोग स्वयं अपने अपने कर्म के कर्ता हैं, क्या कर्ता का अभिष्ट कर्म कहीं दूसरे की इच्छा से होता है। मैं इन दिगंबर को आगे करके तीनों लोकों का भ्रमण करूंगा, उस समय ये बालक बालिकाओं के समुदाय के लिए हंसी का कारण बनेंगे। मुने, उस देव सभा में यूं कहकर ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी सनत कुमार ने शंकर जी को अपने सन्निकट बैठा लिया। इस प्रकार कुमार द्वारा शंकर जी को ग्रहण किए जाते देखकर पार्वती के कंठ, ओंट और तालू सूख गए। वे शरीर छोड़ देने के लिए उद्यत हो गई। उस समय मन ही मन सोचने लगी कि ये कैसी कठिन बात हुई कि न तो अभीष्ट देव का दर्शन मिला और न ही व्रत का फल प्राप्त हुआ। इसी बीच पार्वती सहित देवताओं ने आकाश में एक परमोत्कृष्ट तेज समूह देखा। उसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों की प्रभा से उत्कृष्ट थी। वो दसों दिशाओं में प्रज्वलित कर रहा था और संपूर्ण देवताओं से युक्त कैलाश पर्वत को तथा सबको आच्छादित कर रहा था। उसकी मंडलाकृति बड़ी विस्तृत थी। भगवान के उस तेज को देखकर देवता लोग क्रमशः उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु ने कहा, भगवान, ये जो महाविराट है, जिसके रोमांच छिद्रों में सभी ब्रह्मांड वर्तमान है, वो जब आपका 16वां अंश है, तब हम लोगों की क्या गणना है। ब्रह्मा ने कहा, परमेश्वर, जो वेदों के उपयुक्त दृश्य है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने, स्तवन करने तथा वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ, परंतु जो वेदों से परे हैं, उसकी मैं क्या स्तुति करूँ। श्री महादेव जी ने कहा, भगवान, जो सबके लिए अनिवर्चनीय, स्वेच्छामय, व्यापक और ज्ञान से परे है, उन आपका मैं ज्ञान का अधिष्ठात्र देवता होकर किस प्रकार स्तवन करूँ। धर्म ने कहा, जो अदृश्य होते हुए भी अवतार के समय सभी प्राणियों के लिए दृश्य हो जाते हैं, उन भक्तों के मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप तेज रूप की मैं कैसे स्तुति करूं। देवताओं ने कहा, देवेश्वर, भला जिनका गुणगान करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती की शक्ति कुंठित हो जाती है, उन आपका स्तवन करने के लिए हम लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि हम तो आपके कलांश हैं। मुनियों ने कहा, देव, वेदों को पढ़कर विद्वान कहलाने वाले हम वेदों के कारण स्वरूप आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। आप मन वाणी से परे हैं, आपका स्तवन सरस्वती भी नहीं कर सकती। सरस्वती ने कहा, अहो, यद्यपि वेदवादी लोग मुझे वाणी की अधिष्ठात्र देवी कहते हैं, तथापि आपकी स्तुति करने के लिए मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, क्योंकि आप वाणी और मन के अगोचर हैं। सावित्री ने कहा, नाथ, प्राचीन काल में मेरी उत्पत्ति आपकी कला से हुई थी, मैं वेदों की जननी हूँ, अतः स्त्री स्वभाववश मैं संपूर्ण कारणों के भी कारण स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति करूं। लक्ष्मी ने कहा, भगवान, मैं आपके अंशभूत विष्णु की पत्नी हूँ, जगत का पालन पोषण करने वाली हूँ और आपकी कला से उत्पन्न हुई हूँ, ऐसी दशा में जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप आपका स्तवन कैसे कर सकती हूँ। हिमालय ने कहा, नाथ, मैं कर्म से स्थावर हूँ, अतः मुझे स्तुति करने के लिए उद्धत देख कर सत्पुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं, मैं शूद्र हूँ और स्तवन करने के लिए सर्वथा अयोग्य हूँ, फिर किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ। मुने, इस प्रकार जब सभी देवता, देवियां और मुनिगण क्रमशः उन नारायण की स्तुति करके चुप हो गए, तब जो उत्तम व्रत परायणा, तपस्याओं और संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली जो जगन माता हैं, वे पार्वती देवी शिव जी की प्रेरणा से व्रत के आराध्य देव परमात्मा की स्तुति करने के लिए उद्यत हुई। उस व्रत काल में उन सती का शरीर
धौत व्रत से आच्छादित था। वे सिर पर जटा का भार धारण किए हुए थीं। उनका रूप धधकती हुई अग्नि की लपट के समान प्रकाशमान था और वे तेज की मूर्तिमान विग्रह जान पड़ती थी। पार्वती जी बोली, श्री कृष्ण, आप तो मुझे जानते हैं, परंतु मैं आपको जानने में असमर्थ हूँ। भद्र, आपको वेदज्ञ, वेद तथा वेदकर्ता, इनमें से कौन जानते हैं? अर्थात कोई नहीं। भला जब आपके अंश आपको नहीं जानते, तब आपकी कलाएं आपको कैसे जान सकती हैं? इस तत्व को आप ही जानते हैं, आपके अतिरिक्त दूसरे लोग कौन इसे जानने में समर्थ हैं? आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, अव्यक्त, स्थूल से भी महान स्थूलतम हैं। आप सनातन विश्व के कारण, विश्व रूप और विश्व हैं। आप ही कार्य, कारण, कारणों के भी कारण, तेज स्वरूप, सदैश्रवों से युक्त, निराकार, निराश्रय, निर्लिप्त, निर्गुण, साक्षी, स्वात्मा राम, परमात्म, परात्पर, प्रकृति के अधीश्वर और विराट के बीज हैं। आप ही विराट रूप भी हैं। आप सगुण हैं और सृष्टि रचना के लिए अपनी कला से प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं और आप ही वेद स्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कहीं भी कुछ भी नहीं है। आप जीव, साक्षी, भोक्ता और अपने आत्मा के प्रतिबिंब हैं। आप ही कर्म और कर्म बीज हैं तथा कर्मों के फलदाता भी आप ही हैं। योगी लोग आपके निराकार तेज का ध्यान करते हैं तथा कोई कोई आपके चतुर्भुज, शांत, लक्ष्मीकांत, मनोहर रूप में ध्यान लगाते हैं। नाथ, जो वैष्णव भक्त हैं, वे आपसे उस तेजस्वी, साकार, कमनीय, मनोहर, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, पीताम्बर से सुशोभित रूप का ध्यान करते हैं और आपके भक्तगण परमोत्कृष्ट, कमनीय, दो भुजा वाले, सुंदर, किशोर अवस्था वाले, श्याम सुंदर, शांत गोपीनाथ तथा रत्न भरणों से विभूषित रूप का निरंतर हर्ष पूर्वक सेवन करते हैं। योगी लोग भी जिस रूप का ध्यान करते हैं, वो भी उस तेजस्वी रूप के अतिरिक्त और क्या है? देव, प्राचीन काल में जब असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरा स्तवन किया, तब मैं आपके उस तेज को धारण करने वाले देवताओं के तेज से प्रकट हुई। विभो, मैं अविनाशिनी तथा तेज स्वरूपा हूँ। उस समय मैं शरीर धारण करके रमणीय, रमणी रूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुई। तत्पश्चात आपकी माया स्वरूपा मैंने उन असुरों को माया द्वारा ही मोहित कर लिया और फिर उन सबको मारकर मैं शैलराज हिमालय पर चली गई। तदनंतर तारकाक्ष द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने जब मेरी सम्यक प्रकार से स्तुति की, तब मैं उस जन्म में दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिवजी की भार्या हुई और दक्ष के यज्ञ में शिवजी की निंदा होने के कारण मैंने उस शरीर का परित्याग कर दिया। फिर मैंने ही शैलराज के कर्मों के परिणाम स्वरूप हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। इस जन्म में भी अनेक प्रकार की तपस्या के फल स्वरूप शिव जी मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उन सर्वव्यापी योगी ने मेरा पाणि ग्रहण किया, परंतु देव मायावश मुझे उनके श्रृंगार जन्य तेज की प्राप्ति नहीं हुई। परमेश्वर, इसी कारण पुत्र दुख से दुखी होकर मैं आपका स्तवन कर रही हूँ और उस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु अंगों सहित वेद में आपने ऐसा विधान बना रखा है कि इस व्रत में अपने स्वामी की दक्षिणा दी जाती है, जो बड़ा ही दुष्कर कार्य है। कृपा सिंधु, ये सब सुनकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नारद, वहां ऐसा कहकर पार्वती चुप हो गई। जो मनुष्य मन को पूर्णतया एकाग्र करके भारतवर्ष में इस पार्वतीकृत स्तोत्र को सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णु के समान पराक्रमी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो वर्ष भर तक हविष्यान्य भोजन करके भक्ति भाव से श्रीहरि की अर्चना करता है, वो इस उत्तम पुण्य व्रत के फल को पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्राह्मण, ये विष्णु का स्तवन संपूर्ण संपत्तियों की वृद्धि कराने वाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, सार रूप, स्वामी के सौभाग्य का वर्धक, संपूर्ण सौंदर्य का बीज, यश की राशि को बढ़ाने वाला, हरि भक्ति का दाता और तत्व ज्ञान तथा बुद्धि की विशेष रूप से उन्नति करने वाला है।